हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट क्लास। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्यापम की ग्रुप फोर की प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए मैथ के क्वेश्चंस का पार्ट नंबर सेकंड। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज पहले आप उसे भी देख लीजिए। और दोस्तों, अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। मेरा नाम सचिन सिलावट है और आप मुझे अन अकेडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं मैथ के टॉपिक वाइज वीडियो कवर करवा रहा हूं। तो दोस्तों, आपको वहां हर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। मैं वहां डेली एक टॉपिक कवर करवा रहा हूं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमें अन अकेडमी पर फॉलो नहीं किया है तो दोस्तों आप हमें अन अकेडमी पर भी फॉलो करिए, क्योंकि वहां पर मैं व्यापम की ग्रुप फोर की प्रीवियस ईयर एग्जाम में रीजनिंग के पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कशन कर रहा हूं, जिसका लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वहां से भी जाकर अन अकेडमी पर फॉलो कर सकते हो। दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चंस हमें गिवन है कि यदि एक वस्तु को 6% की हानि की अपेक्षा 6% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रेता को 6 रुपए अधिक प्राप्त होंगे, तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस जितने भी मैं डिस्कशन कर रहा हूं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपकी व्यापम की ग्रुप फोर के एग्जाम में पूछे गए, जिससे आपको पता भी चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस वहां पर पूछे गए थे प्रीवियस ईयर एग्जाम में। तो यहां पर क्या बोला है कि यदि एक वस्तु को क्या करते हैं 6% की हानि की अपेक्षा, मतलब यहां पर क्या हो गया 6% लॉस के बजाय क्या करते हैं कि 6% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, मतलब क्या करा जाता है 6% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि 6 रुपए क्या मिलते हैं, ज्यादा मिलते हैं। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि जब भी आप कोई वस्तु हानि की अपेक्षा लाभ में बेचोगे तो वो मतलब आपको ऑब्वियसली आपको ज्यादा पैसे या ज्यादा रुपए मिलेंगे। अब यहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस को दोस्तों जब आप एक्स के तरीके से करते हो तो हो सकता है कि बहुत ही लॉन्ग मेथड हो जाता है। अब यहां पर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करना है, जिससे आप विद इन 15 से 20 सेकंड में सोल्व कर सकते हो। तो यहां पर आपको पता है कि क्या है कि 6% की हानि है और नेक्स्ट क्या बोला है 6% का लाभ है। जैसे लाभ हुआ तो क्या हुआ कि वस्तु पर 6 रुपए क्या मिल गए, ज्यादा मिल गए। तो दोस्तों, जब भी आपको हानि हो और परसेंटेज में वैल्यू हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम यहां पर यह करना है कि 100 में से माइनस कर लो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 100 में से जब आप 6 को माइनस करोगे तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, 94%, क्योंकि यहां पर हानि बोला है। अगर लाभ बोलता तो हम प्लस करते, लेकिन फिलहाल यहां पर क्या बोला है, लॉस बोला है। तो जैसे मैंने यहां पर साइन भी बना दिया माइनस का और प्लस का, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि यहां पर वैल्यू 100 में जुड़ेगी और यहां पर क्या होगी, कम हो जाएगी। जैसे यहां पर 6% का लाभ, तो 100 में जोड़ लो, कितना हो गया 106%। अब यहां पर ये दोनों ही केसेस होते हैं तो क्या होता है कि 6 रुपए जो है अधिक प्राप्त होता है, मतलब यहां पर क्या मिलता है कि हमें 6 रुपए क्या मिलते हैं, ज्यादा मिलते हैं। क्लियर? अरे, अगर मैं आपसे बोलूं कि 94% में वस्तु को बेचने के बजाय 106% में बेचा जाता है तो मुझे क्या मिलता है, 6 रुपए ज्यादा मिलता है। मतलब इन दोनों का आपको क्या करना है, बस डिफरेंस निकाल लेना है। तो यहां पर क्या होगा, 106 में से यहां पर जब आप 94 को माइनस करोगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहां से 12%। मतलब जैसे ही 12% वैल्यू को बढ़ाया तो हमें कितने रुपए ज्यादा मिल गए, 6 रुपए। या तो ऐसा बोल दो कि 12% अधिक मिलता है, या ये बोल दो 6 रुपए अधिक मिलता है। दोनों ही केसेस में बात क्या हो गई, सेम। मतलब यहां पर आपको पता चल चुका है कि 12% की जो वैल्यू है वो क्या है, 6 रुपए के बराबर है। तो पूछा क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य। दोस्तों, कॉस्ट प्राइस जो होता है वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। इतना कि आपके मैंने जब लाभ हानि का चैप्टर आपको पढ़ाया था तो वहां पर ये चीजें बेसिक से पढ़ाई है। दोस्तों, अगर आप लाभ हानि का फुल टॉपिक देखना चाहते हो तो आप हमारे वीडियोस के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, जहां से मैंने ऑल टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कशन किया है। अब आपको यहां पर 100% की वैल्यू फाइंड करना है। 12% इज इक्वल टू 6 रुपीज, तो 1% की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, अगर मैं 6 को डिवाइड कर दूं 12 से तो 1% की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब ज्ञात क्या करना है, 100% की वैल्यू, तो मैं मल्टीप्लाई 100 कर लेता हूं, तो यहां पर क्या होगा, इधर भी मल्टीप्लाई 100 कर लो तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, बस इसको कट पिट कर लो। तो यहां से क्या होगा, 6 से 1 बार और ये क्या हो जाएगा, 6 से 2 बार, और 2 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, 50 टाइम। मतलब यहां पर जो कॉस्ट प्राइस है उस वस्तु का वो कितना है, 50 रुपए। तो बस यहां से आपको क्या करना है कि सिर्फ ऑप्शन चेक कर लेना है। तो ऑप्शन नंबर यहां से आप जब देखोगे तो थर्ड वाला ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा, इस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि पासिंग मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन इज 36%, मतलब एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए क्या चाहिए, 36% अंक चाहिए। इफ अ स्टूडेंट गेट 72 मार्क्स एंड फेल्स बाय 18 मार्क्स, मतलब एक विद्यार्थी ने क्या करा, 72 अंक प्राप्त करता है और वह क्या होता है, 18 अंकों से फेल हो जाता है, तो देन द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन इज,
मतलब आपको बोला गया है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए। यदि एक विद्यार्थी 72 अंक प्राप्त करता है और 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है या फेल हो जाता है तो परीक्षा का पूर्णांक आपको ज्ञात करना है। दोस्तों पूर्णांक क्या होता है, यहाँ पर टोटल वैल्यू, मतलब अपने आप में 100% की वैल्यू भी आप बोल सकते हो। सबसे पहले क्या बोला है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक चाहिए, मतलब पासिंग जो परसेंटेज है वो यहाँ पर क्या है, 36% है। क्लियर। यदि एक विद्यार्थी 72 अंक प्राप्त करता है, मतलब रिसीव कितने करता है, यहाँ से रिसीव जो अंक करता है वो करता है 72 मार्क्स, और होता क्या है कि फेल हो जाता है 18 मार्क्स से, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, फेल कितने से हो गया वो 18 नंबर से। तो आपको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर परीक्षा के पूर्णांक मतलब टोटल अंक आपको यहाँ पर फाइंड करना है। दोस्तों वहां जैसे यहाँ पर क्या हुआ, पासिंग मार्क दिया हुआ है 36%, पास होने के लिए 72 मार्क्स चाहिए, फेल हुआ 18 मार्क्स से, मतलब कहने का मतलब ये कि अगर 18 नंबर और आ जाते तो वह व्यक्ति क्या हो जाता, पास हो जाता, ठीक है। और पास होने के लिए क्या चाहिए, 36% अंक। तो अगर 72 अंक मिले हैं और अगर मैं इसमें 36 को और ऐड कर लूँ, मतलब यहाँ पर 18 को और ऐड कर लूँ, तो कितना हो जाएगा टोटल वैल्यू, 8 और 2 10, 7 और 1 8 और 1 9, मतलब जब 90 अंक मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति पास हो जाएगा। क्लियर। तो या तो ये बोल दो कि 36% से पास हो रहा है वह व्यक्ति, या फिर ये बोल दो कि 90 अंक से प्राप्त पास हो रहा है। दोनों ही केसेस में बात क्या हो गई सेम, मतलब 36% की वैल्यू हो गई 90। तो 1% की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। 1% की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, 90 को डिवाइड करेंगे 36 से। क्लियर। और पूछा क्या है, टोटल पूर्णांक, टोटल पूर्णांक मतलब 100% की वैल्यू, बस यहाँ से आपको मल्टीप्लाई 100 करना है। इसको आप सोल्व कर लो तो यहाँ से क्या होगा, 9 से कितनी बार कैंसिल होगा, 10 बार, भी यहाँ से 9 से 4 बार, 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 टाइम, मतलब 10 का मल्टीप्लाई 25 में करोगे तो कितना हो जाएगा 250 मार्क्स, मतलब टोटल पूर्णांक यहाँ से कितना हो जाएगा, 250 मार्क्स। तो बस यहाँ पर आपको ऑप्शन चेक करना है, तो ऑप्शन बी यहाँ से क्या हो जाएगा, इस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 इयर्स एट 5% इज 150 रुपीज, देन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट सेम रेट फॉर सेम टाइम विल बी, मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है कि चक्रवर्ती ब्याज याद करना है। दोस्तों बोला क्या है कि यदि एक निश्चित राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 150 रुपए है, तो समान राशि पर समान दर से समान समय के लिए CI मतलब चक्रवर्ती ब्याज आपको यहां पर ज्ञात करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको यहां पर जो क्वेश्चंस में गिवन है, क्या क्या गिवन है कि एक निश्चित राशि पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहां पर हमें कितना गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 5% गिवन है, देन यहां पर आपको समय दिया हुआ है T = 3 इयर्स। क्लियर है दोस्तों। और बोला क्या है कि जो SI है साधारण ब्याज है वो कितना है, यहाँ से 150 है, देन यहाँ पर आपको क्या करना है कि समान दर से समान समय के लिए चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने के लिए मूलधन भी तो पता होना चाहिए दोस्तों, तो मूलधन आपको यहाँ से ज्ञात करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या SI दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, तो मूलधन आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से फाइंड करना पड़ेगा। दोस्तों मूलधन ज्ञात करने का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा रखा है, SI गुणे में क्या होता है 100 हो जाता है, और डिवाइड में क्या हो जाता है यहां से R × T। क्लियर। यहां से हम मूलधन ज्ञात कर लेंगे तो आपको पता है कि साधारण ब्याज है 150, देन मल्टीप्लाई होगा 100, और डिवाइड में यहां पर R × T, मतलब यहां पर क्या है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% है, देन यहाँ पर समय कितना है 3, तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा P आएगा, तो 5 और 3 15 से 15 कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 × 100, मतलब मूलधन आपको निकल के आया है कितना हो गया 1000। अब आपके पास मूलधन है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, चक्रवर्ती ब्याज याद कर सकते हो। दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज याद करने का यहाँ पर मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा कि आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। दोस्तों जब भी आपको चक्रवर्ती ब्याज याद करना हो तो आप जब भी इसको सोल्व करते हो तो आपके सामने वैल्यू निकल के आएगी, अमाउंट मतलब A निकल के आएगा। तो सबसे पहले मूलधन क्या है यहाँ पर 1000 है। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको बोला है कि सेम रेट सेम समय के लिए चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, तो 100 में जोड़ लो कितना हो जाएगा 105, और डिवाइड में कितना हो जाएगा 100, और ये आपको कहां तक ले जाना है 3 इयर्स तक, मतलब आप 3 टाइम्स लिख लीजिए बस। यहाँ पर क्या होगा 105 डिवाइड में कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 100, देन यहाँ पर 105 डिवाइड में क्या हो जाएगा 100। दोस्तों 2 साल के लिए बोलता तो हम इस प्रोसेस को 2 बार करते, 3 साल के लिए बोला तो 3 बार लिखा, अगर यही बोलता है कि 4 साल के लिए तो हम एक बार और मल्टीप्लाई 105 डिवाइड में 100 कर लेते। बस यहां से आपको इसको सोल्व करना है, जैसे इसको सोल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा आपके सामने, अमाउंट।
तो यहां पर क्या होगा, 3 टाइम 0 से 3 टाइम 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको पता है कि 105 का मल्टीप्लाई 105 में करना बहुत इजी होता है। क्या होगा, सबसे पहले 105 मतलब यहां पर भी 5 ज्यादा है, यहां पर भी 5 ज्यादा है, 100 से तो कितना होगा, सबसे पहले 110, उसके बाद 5 का मल्टीप्लाई 5 में कर लो, कितना हो जाएगा 25। ये मल्टीप्लाई हो गया 105 का 105 में। उसके बाद मल्टीप्लाई क्या, यहां पर 105 डिवाइड में कितना है 1000, क्योंकि यहाँ पर 3 टाइम 0 से 3 टाइम कैंसिल हो गई थी, तो 10 यहाँ पर और 20 यहाँ पर, मतलब 1000। अब यहाँ पर जो वैल्यू कट हो रही है उसको आप कट कर लो, तो यहाँ पर क्या होगा 5 × 10 से 200 बार, यह क्या होगा 5 से 21, फिर 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 40 बार, फिर यहाँ से क्या होगा 5 × 10, 5 × 10, फिर 0 × 5 = 25। क्लियर। अब यहाँ से आप इसको और सोल्व कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा कि इसको जब आप सोल्व करोगे तो क्या होगा 5 × 6 = 48 हो जाएगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा 5 × 20 बच जाएंगे कितने 0, यहाँ पर भी क्या होगा, एक काम कर लो चलो इसको यहाँ से हम देखते हैं, मल्टीप्लाई करना ज़्यादा इजी होगा। सबसे पहले क्या बचा है 2205 और 21, तो 21 का मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या कर ले हम 2205 में, दोस्तों यहाँ पर जब हम कट पीस करेंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो 21 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 105, तो 105 का क्या आएगा 05 ही आएगा यहाँ पर, अरे 21 का मल्टीप्लाई 21 पंजे कितना होता है 105, तो 105 और 0 आगे लगा हुआ है तो 105 बचेंगे कितने 1। क्लियर। 21 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 42, और 1 कितना हो जाएगा यहाँ से 43, बच जाएंगे कितने हासिल 4। उसके बाद 21 का मल्टीप्लाई 2 में 21 × 42, 42 × 4 कितना हो जाएगा 46, डिवाइड में कितना बचा था यहाँ पर 40 बचा हुआ था दोस्तों, है ना, यहाँ पर हमने उसको यहाँ पर कैंसिल कर दिया। बस यहाँ से आप इसको और सोल्व कर लीजिए दोस्तों, आपको पता है कि यहाँ पर हम 4 की टेबल से कैंसिल कर लेते, इसको क्या होगा 4 की टेबल से 1 टाइम बच जाएंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं बच रहा, फिर 1 टाइम बच जाएंगे क्या यहाँ पर 2, 4 × 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएंगे, बच जाएंगे 3, 4 से 7 बार 28 बच जाएंगे क्या 2। उसके बाद क्या होगा यहाँ पर 4 × 6 = 24 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर क्या बच जाएगा 1, मतलब दशमलव लगेगा क्या होगा 1, यहाँ पर 4 × 2 = 8, फिर 1 बच जाएंगे कितने 2, तो 4 × 5 = 20। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 टाइम, तो यहाँ पर एक संख्या के आगे और दशमलव लगा लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो वैल्यू अमाउंट कितना निकल के आ गया दोस्तों, यहाँ पर आया है 1515, उसके बाद क्या है 7, पाइंड क्या हो गया 625, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 0 है तो हमने एक संख्या की ओर आगे क्या कर लिया 0 लगा लिया, क्योंकि यहाँ पर 2 दशमलव तो ऐसे ही दिए हुए। अब आपके सामने ये क्या आया है कि अमाउंट आया है दोस्तों, तो आपको क्या ज्ञात करना है, सी आई ज्ञात करना है। सी आई ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 1000 रुपये क्या है प्रिंसिपल है, इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा 157.625, तो यहाँ पर कहाँ पर है 157, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ से क्या हो जाएगा इस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ अ ट्रेन विद अ स्पीड ऑफ 60 km/h क्रॉस्ड अ पोल इन 30 सेकेंड्स, द लेंथ ऑफ द ट्रेन इन मीटर्स, मतलब मीटर में हमें ज्ञात करना है। तो यदि एक ट्रेन एक खंबे को 60 km/h की गति से 30 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई वो भी हमें क्या ज्ञात करना है, मीटर में ज्ञात करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या पता है कि एक ट्रेन है, तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं कि यह क्या हो गई, एक ट्रेन हो गई। क्लियर दोस्तों, ये क्या करती है कि एक खंबे को क्या 60 किलोमीटर, इसकी स्पीड भी हमें गिवन है, कितना स्पीड इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं 60 किलोमीटर/h, और एक खंबे को पार करती है, ये क्या हो गया खंबा, जिसको कितने सेकंड में पार करती है, समय गिवन है हमें 30 सेकंड्स में पार कर जाती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस जो ट्रेन है इसकी लेंथ आपको ज्ञात करना है, मतलब दूरी ज्ञात करना है आपको यहाँ पर। क्लियर दोस्तों, सबसे पहले जब भी आप रेलगाड़ी के क्वेश्चंस को सोल्व करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी भी खंबा हो गया, पत्थर हो गया, व्यक्ति हो गया, इनको पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, क्योंकि यहाँ पर खंबे की कोई दूरी नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है, दूरी, तो यहाँ पर क्या होगा कि दूरी इज इक्वल टू आपको बस फाइंड कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर जब खंबे को पार करेगी तो क्या होगा अंतिम पॉइंट ये होगा, तभी तो यहाँ पर खंबा पार होगा, मतलब जो है जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी ना वही लंबाई होगी, यहाँ पर खंबे की कोई भी लंबाई इसमें ऐड नहीं होगी। तो दूरी आपको ज्ञात करना है, तो दूरी बराबर क्या होता है 4 × समय हो जाता है। क्लियर दोस्तों, तो यहाँ पर आपको पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू ज्ञात करना है, तो दूरी बराबर क्या होता है 4 × समय, मतलब स्पीड मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा टाइम। क्लियर, अब आपको पता है कि स्पीड किलोमीटर/घंटे में गिवन है, तो यहाँ पर क्या है 60 × इसको क्या करना पड़ेगा 5/18 करना पड़ेगा, क्योंकि मीटर/सेकंड में करना पड़ेगा, और यहाँ पर समय क्या है 30 सेकंड है, तो मल्टीप्लाई क्या कर ले हम 30, बस यहाँ से आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा कि 6 से 3 बार, 6 से क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 बार, उसके बाद 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितनी बार कैंसिल होगा 20 बार, 20 × 5 कितना होगा 100, 100 × 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर
500, मतलब जो ट्रेन की जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 500 मीटर हो जाएगी। तो बस यहाँ पर आपको ऑप्शन चेक करना है, तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ से क्या हो जाएगा, इस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए वो आपको क्या करना है। मतलब दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछा गया है, बस आपको यहाँ पर क्या करना है, प्लस का साइन दिया और इसको जोड़ लेना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो आप सभी के लिए क्या है, होमवर्क है। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में सोल्व करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू को एड करना है। तो दोस्तों इस टाइप के इजी इजी क्वेश्चन आपकी व्यापम ग्रुप फोर की प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको आइडिया भी हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आने वाली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इसका जो आंसर है आपको क्या करना है कि इसी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों आई थिंक मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छे से पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो करिए, क्योंकि वहां पर मैं व्यापम की ग्रुप फोर की प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहा हूँ, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आप वहां से भी जाकर आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो, जिससे क्या होगा मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।